नमस्कार दोस्तों, पैसा तो बनेगा मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी आपको मैं समझाऊंगा ऑप्शंस की, कि जो कोई अगर आप बिगिनर हो, एक्सपर्ट हो, कोई भी हो, आप चाहे आप जॉब कर रहे हो या तो वर्किंग प्रोफेशनल हो या तो फुल टाइम ट्रेडर हो, आप आसानी से इस स्ट्रेटेजी में पैसा कमा सकते हैं, आसान तरीके से इसको समझ सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से आप इसमें से पैसा कमा सकते हैं। तो यह स्ट्रेटेजी का नाम क्या है? निफ्टी माउस ट्रैप ऑप्शंस बाइंग स्ट्रेटेजी। तो सबसे पहले तो ये पता चल गया कि ये बाइंग स्ट्रेटेजी है। ज़्यादातर पैसा तो बनेगा में हम लोग फोकस करते हैं कि एज ए सेलर वाली ऑप्शन स्ट्रेटेजी पे फोकस किया जाए। इसके पहले के वीडियो में भी मैंने बताया था, बट ये स्ट्रेटेजी एक ऐसी स्ट्रेटेजी निकली है कि जिसमें हम एज ए बायर की तरह रोल प्ले करेंगे और इसका बहुत बड़ा फायदा उन लोगों को होगा कि जिनके पास कैपिटल कम है, जिनके पास कैपिटल थोड़ी सी कम है। तो आप ध्यान दीजिए, बिल्कुल मिस मत करिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। आप जैसे मेरे फैमिली मेंबर उस तरह से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा, ठीक है। दूसरा कि ये एक पोजिशनल स्ट्रेटेजी है जिसमें मैक्सिमम हम 3 दिन तक अपनी पोजीशन होल्ड करेंगे, 3 दिन से ज्यादा हमको होल्ड नहीं करनी है, ठीक है। तो ये भी मैंने क्लियर कर दिया आप लोगों को। ये स्ट्रेटेजी मैं समझाऊ इससे पहले हो सकता है कि जो लोग के पास जीरो नॉलेज हो, बिगिनर्स हो, वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाए क्योंकि एक दो ऐसी टर्म आएगी। तो मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि मैंने इंडिया में पैसा तो बनेगा ऑप्शन स्कूल ऑलरेडी लॉन्च की है। आप घर बैठे बैठे, ऑफिस में बैठे बैठे इसके लेक्चर्स वीडियो सुन सकते हो। लेवल 1 पूरा फ्री है जिसमें 20-22 वीडियो है, आपको कोई नहीं इंडिया में समझाएगा। उस तरीके से मैंने स्टोरी बना बना के पूरा ऑप्शन समझाया है, बहुत बेसिक लेवल से, आपको मजा आ जाएगा। बाद में लेवल 2 में आपको रेडीमेड स्ट्रेटेजी मिलेगी और लेवल 3 में आपको सपोर्ट मिलेगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले, कि शायद कोई लोग बिगिनर हो तो उनको मैं डीमोटिवेट करना नहीं चाहता, ठीक है। आप समझते रहना मेरे साथ। पहले मैं स्ट्रेटेजी समझाऊं उससे पहले एक पैटर्न समझना जरूरी है। बिल्कुल ही सिंपल पैटर्न है, पर वो भी पैटर्न आपको मजा आएगी, मैं गारंटी देता हूं आपको मजा आएगी वो समझने के लिए। पहले तो वो समझ लेते हैं। एक कैंडलस्टिक पैटर्न को ही हम राह देखेंगे। निफ्टी के डेली चार्ट में ये ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करने के लिए हम एक पैटर्न ढूंढेंगे। उस पैटर्न को मैं बोलता हूं माउस ट्रैप। जैसे चूहे को अपने जाल में फंसा लिया, इसलिए मैं उसको बोलता हूं माउस ट्रैप। अब माउस ट्रैप क्या होता है, उसका एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बता देता हूं कि जहां पे हम ऐसा देखते हैं कि कोई स्टॉक या तो कोई इंडेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी की बात कर लो, वो थोड़े ज्यादा टाइम के लिए एक ही प्राइस रेंज में फंस जाता है, उससे बाहर निकलता नहीं है, तो उसको मैं बोलता हूं माउस ट्रैप, कि वो प्राइस रेंज में फंस गया, ठीक है। अब जैसे कि यहां पे देखो, आई होप कि आपको दिखाई, मैं आपको अभी अपस्टॉक के चार्ट में भी ले जाऊंगा, पर सिर्फ अभी के लिए देख लो कि ये 3 दिनों के लिए प्राइस फंस गई, ज्यादा मूव ही नहीं कर रही है। डे 1 सोमवार आया, मंगलवार आया, बुधवार आया, ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है उसमें, तो उसको मैं बोल देता हूं माउस ट्रैप। और निफ्टी में ये स्ट्रेटेजी इंप्लाई करनी है तो हम राह देखेंगे 3 दिन तक कि क्या कोई भी 3 दिन के लिए प्राइस स्टॉक हो रही है, निफ्टी ज्यादा मूव नहीं हो रहा है, एक ही रेंज में बैठा हुआ है, बस वो पैटर्न हमको चाहिए, ठीक है। दूसरा, अब जिन लोगों को ये माउस ट्रैप डिटेल में समझना हो, ठीक है, मैंने गीता का सार तो दे दिया कि माउस ट्रैप क्या है, प्राइस रेंज में फंस जाती है, ठीक है। तो मैंने कुछ महीनों पहले एक स्ट्रेटेजी अपलोड की थी यूट्यूब में, पैसा तो बनेगा के चैनल में, जिसको मैंने नाम दिया था माउस ट्रैप इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। वो इंट्राडे के लिए थी, वो बहुत सक्सेसफुल हुई। बाद में काफी सारे क्रिएटिव आइडियाज हम लोगों को मिले, कुछ आइडिया हमारे खुद के थे, कुछ ट्रेडर्स के थे, तो हम अलग अलग जगह पे उसको इंप्लीमेंट करने लगे। तो उसी तरह हमने ऑप्शन में भी वो इंप्लीमेंट किया कि नहीं यार ये तो अच्छी चीज है, और अभी मैं आपको बताता हूं कि ये कितनी अच्छी चीज निकली, ठीक है। तो अगर आपको डिटेल में 13 मिनट का वीडियो देखना हो कि भाई ये माउस ट्रैप होता क्या है, तो वो आप सर्च कर लीजिए कि माउस ट्रैप पैसा तो बनेगा, तो आ जाएगी। बाकी मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। अब माउस ट्रैप को समझने के लिए मैं आपको 2 रीसेंट एग्जांपल अपस्टॉक में जाके दिखा रहा हूं, ताकि आपके डाउट्स और क्लियर हो जाए कि मैं किस माउस ट्रैप की बात कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं, ठीक है। तो वो देख लेते हैं। ये अपस्टॉक में निफ्टी का डेली चार्ट है ये वाला, ठीक है। तो ये मैंने यहां पर ओपन कर लिया है और ये 1 डे का चार्ट है। मैंने यहां पर टाइम फ्रेम क्या रखा है, 1 डे। अगर हम इसमें धीरे धीरे जाए तो हमें यह पता चलता है, मैं थोड़ा सा चार्ट को इस तरह से कर देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे,
यहाँ से इसको निकाल लिया। ठीक है, थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर रहा हूँ क्योंकि लाइव जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो थोड़ी बात ही उसमें बिगड़ जाती है। अब हम पहले फोकस करेंगे कि मई 21 पे, तो मई 21 से लेके ये 3 दिन में जो आपको बता रहा हूँ, ये 3 दिन में निफ्टी की प्राइस की जो रेंज है वो यहाँ पे स्टक हो गई है। यहाँ से चार्ट आ रहा है पर यहाँ पे 3 दिनों में छोटे छोटे कैंडल बन के प्राइस स्टक हो गई। उसके बाद बहुत बड़ा ब्रेकआउट मिला है, देखो ये जो 1 दिन 2 दिन 3 दिन, उसके बाद बहुत बड़ा ब्रेकआउट मिल गया। तो ये छोटी सी रेंज है वो हमारे लिए 3 दिन के लिए माउस ट्रैप हो गई, मैं ऐसा बोल सकता हूँ इसमें, ताकि ये 3 दिन में ऑब्जर्व करूँ, उसके बाद मैं अपनी पोजीशन लगा लूंगा। वो क्या पोजीशन स्ट्रेटेजी है मैं बाद में बताऊंगा, अभी से पैटर्न देखनी है हमें, और कुछ नहीं देखना है। ठीक है, ठीक है। एक और डेट है के 2 मार्च, तो ये मार्च महीना आ गया। अब ये देख लो, ये जो कैंडल है यहाँ पे ये तीन तीन दिन का गैप बना, 3 दिन का कैंडल्स बनी हो, देखो कुछ रेंज, बिल्कुल रेंज में। और इसके बाद देखो धड़ाम से मार्केट गिर गया। ठीक है, जो भी आपका ब्रोकर हो उसमें ये जाके दो एग्जांपल देख लेना। एक तो है 21 मई का, तो 21 मई, उसके बाद का दिन 2022, और बाद में वीकेंड वगैरह था तो 26, ये 3 दिन 21, 22 और 26 वो जाके देख लेना। और यहां पे उसे ज्यादा क्लियर दिख रहा है कि मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च और उसके बाद, तो बाद में देखो उसके एक ही दिन बाद धड़ाम से मार्केट गिर गया। तो ये दो रीसेंट एग्जांपल मैंने आपको दे दिए ताकि हमको पता चले कि भाई ये माउस ट्रैप है और कुछ नहीं है। ठीक है, यहां पे एक मैंने एग्जांपल दिया आपको 21 मई का, वो आप देख लेना जाके, और यहां पे मैंने दिया 2 मार्च का। ठीक है, अब वापस आते हैं अपने प्रेजेंटेशन में, कंटिन्यू करते हैं। अब एक बार माउस ट्रैप पैटर्न मिल जाए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक मैंने वेट किया, बाद में क्या करना है, बाद में हमें ऑप्शन की एक स्ट्रेटेजी उठानी है जिसका नाम है लॉन्ग स्ट्रेडल। क्या नाम है उसका? लॉन्ग स्ट्रेडल। अगर अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो या तो जीरो नॉलेज हो तो शायद आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसके लिए मैंने बोला था कि पैसा तो बनेगा कि ऑप्शन स्कूल में से फ्री जो लेवल 1 है वो आप अटेम्प्ट कर लेना, तो आपको बहुत मजा आएगा। ये बहुत ही कॉमन बाइंग स्ट्रेटेजी है, पर इसमें हमने कुछ रूल्स डाले कि भाई कब इंप्लीमेंट करें, कैसे इंप्लीमेंट करें, कब प्रॉफिट बुक करें, कब लॉस बुक करें, हम सब कुछ ये सीखेंगे। ठीक है, अब गूगल में भी सर्च करो तो ये लॉन्ग स्ट्रेडल का पे ऑफ डायग्राम है कि भाई ये कैसे स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट होती है। ठीक है, डिटेल में जानना हो तो आप जान लेना, बट मैं आपको बहुत सीधी लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि होता कुछ नहीं है, कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है कि हम इसमें इस स्ट्रेटेजी में क्या करेंगे, एक कॉल बाय करेंगे और एक पुट बाय करेंगे। सिंपल है, दोनों साइड बाइंग, कॉल के साइड भी बाइंग, पुट के साइड भी बाइंग, बट सेम स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस सेम रखेंगे। जैसे कि निफ्टी के स्ट्राइक प्राइस में हम एंटर हुए 10,000 पे, तो 10,000 पे कॉल भी बाय करो, पुट भी बाय करो, और सेम एक्सपायरेशन होना चाहिए। तो बहुत ही सीधी सादी स्ट्रेटेजी है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका कॉम्बिनेशन होगा वो प्रॉफिट हमारे लिए बहुत जबरदस्त प्रोड्यूस करेगा जब मार्केट में, मार्केट इधर अप जाएगा या तो डाउन जाएगा। देखो अभी मजा आया ना आपको, ऐसा क्यों, यही स्ट्रेटेजी क्यों चूज की, थोड़ा आगे ले जाता हूं, आपको याद दिलाता हूं कि हमारी स्ट्रेटेजी है माउस ट्रैप। माउस ट्रैप मतलब 3 दिन तक निफ्टी वही के वही रेंज में घूमता रहा, वो रेंज को तोड़ नहीं पाया, तो अब शायद मार्केट में ऊपर जाए या तो मार्केट नीचे जाए। जैसे ये एग्जांपल में स्क्रीनशॉट में मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, फिर से मैं अपस्टॉक में आता हूं एग्जांपल साझा कराने के लिए कि यहां पे मार्केट मार्च में जो एग्जांपल बताया था उसमें मार्केट नीचे चला गया। अब हम जब स्ट्रेटेजी, आपको जब भी ये पैटर्न मिलेगी तब आपको पता थोड़ी होगा कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो नीचे जाने वाला है। इसीलिए हमें कॉल भी बाय करना है, पुट भी बाय करना है, इसलिए हमको लॉन्ग स्ट्रेडल स्ट्रेटेजी चाहिए, इसलिए हमने सेम स्ट्राइक प्राइस चूज किया, सेम एक्सपायरेशन, ताकि
वो रेंज जब भी तोड़े माउस स्टेप की, चाहे ऊपर तोड़े या नीचे तोड़े, हमको प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। अब स्ट्रेटेजी का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा वो बताएंगे हम, कि हमको एटलीस्ट तीन दिन का माउस स्टेप की कैंडलस्टिक पैटर्न चाहिए डेली टाइम फ्रेम पे, 3 दिन। अब सपोज कि लास्ट 2 दिन से निफ्टी माउस स्टेप है, आपको पता चल गया कि यार मेरी पैटर्न दिख रही है, जो सर ने सिखाया था पैसा तो बनेगा में, वो पैटर्न मुझे अभी दिख रही है, तो तीसरे दिन पे भी आप देखोगे और 3:20, 3:25 तक का आप राह देखोगे कि भाई मार्केट में डेली की जो कैंडल है वो कैसी बन रही है। अगर आपको लगे कि आज भी मार्केट रेंज वो नहीं तोड़ पा रहा है और मार्केट अभी बंद होने को है, तब आप एंट्री करोगे, तब हमें ये स्ट्रेटेजी 3:25 को इनिशिएट करनी है, ठीक है। एक एग्जांपल कि निफ्टी 9065 पे चल रहा है, 9065 पे चल रहा है, तो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस कौन सी हुई, तो क्या 9050, ये समझ लेना, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंपल, एक हम कॉल बाय करेंगे 9050 का, या तो करंट मंथ का बाय कर लो या तो करंट वीकली एक्सपायरी का बाय कर लो, और हम पुट बाय करेंगे 9050 का करंट मंथ का और या तो करंट वीक एक्सपायरी का, पर दोनों की स्ट्राइक प्राइस तो सेम रहेगी, एक्सपायरी भी सेम होनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, कोई ऐसा मंथली या तो वीकली कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्ट मत करो कि जिसमें अभी 3 ही दिन बाकी हो, ऐसा नहीं, ठीक है, थोड़ा हमको ज्यादा टाइम चाहिएगा उसमें। अगर ऐसा हो तो नेक्स्ट वीक का या तो नेक्स्ट मंथ का एक्सपायरी सिलेक्ट कर लो, तो यहां पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। निफ्टी 9065 पे था, नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस 9050 पे, दोनों पे बाय और पुट, कॉल और पुट बाय कर लिया, करंट मंथ या तो करंट वीकली एक्सपायरी का होना चाहिए, ठीक है, इतना क्लियर है। अब आगे जाते, हमें ये याद रखना है कि हमको तीसरे दिन जब मार्केट क्लोज होने की कतार पे, तब पोजीशन इनिशिएट कर देनी है, चौथे दिन की राह मत देखना। कोई लोग मिस्टेक करेंगे कि हम चौथे दिन पे पोजीशन इनिशिएट करोगे, क्या होगा बताए, ज्यादातर हम लोगों ने क्या दिखा है, चौथे दिन तो मूवमेंट आ ही जाती है 90% केस में, तो आपकी पोजीशन गलत साबित होगी, मूवमेंट आ जाने के बाद आप पोजीशन इनिशिएट करोगे। तीसरे दिन मार्केट बंद होने की कतार पे हो, तब भी हमें पोजीशन इनिशिएट कर देनी है, अगर तीसरे दिन भी वो माउस ट्रैप में ही रहा तो, ठीक है। दूसरा, एक बार आपने ट्रेड में एंटर कर लिया तो हमको मैक्सिमम उसको 3 दिन तक ही होल्ड करना है, 3 दिन से ज्यादा होल्ड नहीं करेंगे हम। ज्यादातर केसेस में जो हमको रिजल्ट चाहिए होगा, वो जैसे ही पोजीशन इनिशिएट करोगे उसके दूसरे दिन या तो उसके और एक दिन में मिल जाएगा। अगर हमको 3 दिन तक प्राइस की मूवमेंट नहीं मिलती है तो हम एग्जिट हो जाएंगे, थोड़ा सा लॉस होगा टाइम डिके की वजह से, पर दैट इज ओके, हम ज्यादा पोजीशन इसको लंबी नहीं करना चाहते भाई, ठीक है, वो समझ लेना। अगर हमने पोजीशन में एंटर किया और मूवमेंट आया अप या डाउन, तो हम बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में होंगे, राइट। तो क्या होगा, अगर प्राइस मूव हो गई, अप मूव हो गया, तो क्या होगा कि हमारा जो बाई किया हुआ कॉल है ना, वो इन द मनी हो जाएगा, सिंपल चीज है, क्योंकि प्राइस में अपसाइड मूवमेंट आई है, और हमारा जो पुट है जो बाई किया हुआ, वो ओटीएम हो जाएगा। अब आपको पता है कि इन द मनी का डेल्टा होता है 0.5 से ज्यादा, और आउट ऑफ द मनी का कॉन्ट्रैक्ट का डेल्टा होता है 0.5 से कम, तो हमेशा प्रॉफिट होगा इन द मनी का कॉल का, वो ज्यादा होगा जो लॉस हो रहा है हमें पुट में से, तो ओवरऑल हम लोग बहुत अच्छे प्रॉफिट में होंगे। वही ये माउस स्टेप स्ट्रेटेजी का फायदा है, इस अच्छी पैटर्न को अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ हमने जोड़ दिया, सब कुछ हैंडल हो गया। अगर डाउनसाइड मूव हुआ तो मार्केट, तो हमारा कॉल ऑप्शन होगा वो ओटीएम हो जाएगा, पुट ऑप्शन होगा वो इन द मनी हो जाएगा, सो ओवरऑल प्रॉफिट हमको पुट ऑप्शन में से ज्यादा मिलेगा, तो वहां पे भी ओवरऑल हमको ज्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। दूसरा, कि हाउ लॉन्ग यू मे होल्ड द पोजीशन इफ यू गेट द मूव। अब किसी का क्वेश्चन होगा कि सर अगर हमको मूव मिल गया, वो मिल ही जाएगा 90% केस में, तो कब तक हम उसको चालू रखें। ये डिसीजन मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं कि आपका कैसा एक्सपीरियंस है, आप कितना कंफर्टेबल हो, क्योंकि कई बार देखा है कि 3 दिनों के प्राइस ट्रेप मूवमेंट, माउस ट्रेप मूवमेंट के बाद कई बार अगले 3-4 दिनों के लिए बहुत अच्छा प्रॉफिट वो दे देता है। अगर आपको लगता है कि मार्केट में मोमेंटम स्ट्रांग नहीं है, तो आप तभी के तभी प्रॉफिट बुक कर लो। अगर लगता है कि नहीं मार्केट में अच्छा मोमेंटम है, वोलेटिलिटी ज्यादा है, तो इट्स अप टू यू,
ठीक है, आप एक दो बार इसको इंप्लीमेंट करोगे आपको खुद आइडिया आ जाएगा। बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत ही स्मूथ स्ट्रेटेजी है। इट्स अप टू यू कि आपको कब एग्जिट करना है। अगर आप प्रॉफिट में हो तो, लॉस में हो तो बता दिया कि हमको 3 दिन से ज्यादा राह नहीं दिखनी है, एग्जिट कर लो। प्रॉफिट में हो तो मैंने आप पे छोड़ दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी हमारी खत्म होती है। बहुत शांत तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया, फिर से एक बार वीडियो देख लेना। दूसरा कि अगर लाइफ में सीरियस तरीके से पैसा बनाना है और अपने फैमिली को आगे लेके आना है तो पैसा तो बनेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दूसरा कि अगर ऑप्शन के बारे में बहुत सीरियस हो तो जैसा मैंने बताया ऑप्शन स्कूल मैंने लॉन्च किया जिसमें Level 1, Level 2, Level 3 है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप गूगल में जाओ और ऐसा लिखो पैसा तो बनेगा ऑप्शन स्कूल तो आपके पास वेबसाइट आ जाएगी। वो वेबसाइट में जाओ तो पूरा मैंने बता दिया कि ऑप्शन स्कूल क्या है और उसमें लेवल्स है, वो लेवल्स भी आपको पता चल जाएंगे। Level 1 क्या है, 20-22 वीडियो का इतना अच्छा कोर्स कि आपका फाउंडेशन ऑप्शंस का बहुत मजबूत हो जाएगा। उसका डायरेक्ट यहाँ पे एक्सेस भी दे दिया है। वो क्लियर होने के बाद Level 2 में एंट्री लो, आपको रेडीमेड रियल लाइफ मेरी स्ट्रेटेजीज मिलेगी आपको पैसा बनाने के लिए। और Level 3 में आपको सपोर्ट मिलेगा ईमेल और व्हाट्सएप के थ्रू। तो काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए, आप भी जुड़ सकते हो। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। ये स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करना, कोई क्वेरी हो तो मुझे पूछ लेना व्हाट्सएप से और या तो ईमेल से। मेरा व्हाट्सएप नंबर वगैरह मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वेबसाइट पे भी दिया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सभी लोग बहुत अच्छी तरह से पैसा कमाएं अपनी लाइफ में और आगे बढ़े। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच।